कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने एक बार फिर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जाति को लेकर बड़ा हमला बोला है। ओडिशा में भारत जोड़ो न्याय यात्रा के दौरान राहुल गांधी ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ओबीसी जाति में पैदा नहीं हुए थे, वो तो जनरल कास्ट में पैदा हुए थे, लेकिन बीजेपी लोगों को ये बोलकर बेवकूफ बनाती है कि प्रधानमंत्री ओबीसी जाति में पैदा हुए थे। राहुल गांधी ने कहा कि लोगों को बेवकूफ बनाया जा रहा है, मोदी जी ओबीसी में पैदा ही नहीं हुए थे, वो तेली समाज से आते हैं। बीजेपी ने साल 2000 में उनकी जाति को ओबीसी बनाया था, यानी कि मोदी ओबीसी पैदा नहीं हुए। राहुल गांधी ने कहा कि वो जनरल कास्ट में पैदा हुए थे, वो दुनिया को झूठ बोल रहे हैं कि वो ओबीसी में पैदा हुए थे। तो आइए आपको सुनाते हैं कि भारत जोड़ो यात्रा के दौरान राहुल गांधी ने क्या कुछ कहा। मोदी जी कहते हैं भाषण में पार्लियामेंट में, एक सेकंड भैया, मोदी जी पार्लियामेंट में कहते हैं ओबीसी वर्ग को भागीदारी की क्या जरूरत, मैं ओबीसी हूं। सबसे पहले मैं आपको बताना चाहता हूं, नरेंद्र मोदी ओबीसी पैदा नहीं हुए थे। फिर से सुनो, नरेंद्र मोदी जी तेली का, सुनो भैया मैं बहुत गहरी बात बोल रहा हूं, आपका लोगों का, आप सब लोगों का भयंकर बेवकूफ बनाया जा रहा है। सुनो, आप लोगों का भयंकर बेवकूफ बनाया जा रहा है। नरेंद्र मोदी जी ओबीसी नहीं पैदा हुए थे, नरेंद्र मोदी जी टेलीकास्ट के गुजरात में व्यक्ति पैदा हुए थे, उनको, उनकी कम्युनिटी को बीजेपी ने 2000 साल 2000 में ओबीसी बनाया। आपके प्रधानमंत्री ओबीसी नहीं पैदा हुए, आपके प्रधानमंत्री जनरल कास्ट पैदा हुए। मुझे बर्थ सर्टिफिकेट की कोई जरूरत नहीं है, पता है मैं कैसे जानता हूं कि आपके प्रधानमंत्री ओबीसी पैदा नहीं हुए। वो किसी ओबीसी से गले नहीं मिलते, वो किसी किसान का ऐसे हाथ नहीं पकड़ते, वो किसी मजदूर का हाथ नहीं पकड़ते, वो सिर्फ अदानी जी का हाथ पकड़ते हैं। और ये पूरी जिंदगी में जाति जनगणना नहीं करेगा, क्योंकि ये आपके प्रधानमंत्री पूरे देश से झूठ बोल रहे हैं, ये ओबीसी नहीं पैदा हुए, ये जनरल कास्ट के आदमी हैं, ये ओबीसी जाति जनगणना कभी नहीं करने देगा। लिख के ले लो, जाति जनगणना का काम कांग्रेस पार्टी और राहुल गांधी करके दिखाएगा।